मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इसके सोनू टेक होल्ड में। दोस्तों, आपको इसके पहले वीडियो में मैं बताया था कि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आ चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में अभी किसी प्रकार की त्रुटि, जैसे नाम, पिता का नाम, स्पेलिंग, फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, लिंग, विषय में गलतियां हो, तो उसको कैसे सुधार करेंगे, सुधारने की क्या प्रक्रिया है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में कहीं ना छोड़ें। अगर आप छोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाएं, ताकि जो भी बिहार बोर्ड से न्यूज हो सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए तिथियां घोषित कर दी हैं। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि सुधार के लिए समिति की ओर से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक समय निर्धारित किया गया है। दोस्तों, इस अवधि में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 में शामिल होने के लिए फॉर्म भी भरा जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले छात्रों के पंजीयन कार्ड में अभी कोई त्रुटि हो तो वो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सुधार कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि यदि किसी विद्यार्थी के जारी रजिस्ट्रेशन कार्ड में अभी किसी प्रकार की त्रुटि, जैसे नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, लिंग, विषय में गलतियां हो, तो उसे अवश्य सुधार करने के लिए समिति द्वारा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक अवसर प्रदान किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले रजिस्ट्रेशन कराने वाले विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि सुधार के लिए समिति द्वारा 29 जून से 5 जुलाई तक समय दिया गया है। शिक्षण संस्थान के प्रधान किसी भी विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित विवरणी में त्रुटि होने पर उसका ऑनलाइन सुधार करेंगे और उसके बाद संबंधित विद्यार्थी का परीक्षा फॉर्म भरेंगे, जिसके लिए समिति का पोर्टल 8 जुलाई तक खुला रहेगा। आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का यह अंतिम मौका है, इसके बाद समिति द्वारा कोई भी अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं कि ये अब अंतिम मौका है, इसके बाद कोई सुधार का मौका नहीं आने वाला है। चलिए जानते हैं आखिर कैसे सुधार होगा। विद्यार्थी अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर एक प्रति निकाल कर अपने हस्ताक्षर के साथ अपने विद्यालय प्रधान को 1 जुलाई से 7 जुलाई तक देंगे। दूसरी प्रति पर विद्यालय प्रधान का तिथि सहित हस्ताक्षर एवं मुहर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। त्रुटि के ऑनलाइन सुधार के लिए समिति के पोर्टल पर मूल पंजीयन कार्ड अपलोड रहेगा। त्रुटि सुधार के बाद ही संबंधित विद्यार्थी का परीक्षा फॉर्म विद्यालय प्रधान द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इसके बाद कोई सुधार का मौका नहीं मिलने वाला है। तो आप जरूर अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड को सुधार कर लें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी आगे आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उसका भी अगर कोई त्रुटि हो तो वो अपना सुधार करा सके। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।